Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Oh, Sania ji, desh ki aan, baan, shaan, zordaar taaliya. Kya baat hai Chandu? Tune gaadi. Biggest fan, biggest fan. Oye, oye, oye. Mubarak ho, tune gaadi le li. Wah. हाँ जी हाँ जी हाँ जी जब ये लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं मेरी गाड़ी मांग कर लेके जाते हैं जी। ये गाड़ी थोड़ी है ये मेरा घर है 3000 रुपए किराया देता हूँ इसका मैं अच्छा और आपको पता है ये देखो चंदू विला लिखा हुआ ये देखो अब चंदू नहीं आपको अंग्रेजी आती इसमें मेरा क्या कसूर है विला नहीं इसको आई कटवा वेला लिखवा तू इतना बेकार आदमी है 7-7 मिनट तक उबासी लेता रहता ये इतना वेला ये चलो पाजी मैं तो आवासी लेता हूँ ना 7 मिनट लेता हूँ तो कोई बात नहीं 7 मिनट मेरी आवासी को ऐसे करके देखते रहते हैं अच्छा कल तो मैं पाजी टांग पे ऐसे खुजला रहा था तो दूर से देख रहे थे अच्छा ये खुजा रहा है कल मैं शो में बताऊंगा आप बताइए सानिया जी कौन बेला है ये कौन है ये कौन है अरे बापो हो इतनी बेइज्जती इतना लेट क्यों आया तू आज वो मैं काम धंधा ढूंढने के लिए गया था मुंबई में घर चलाना कोई आसान थोड़ी होता है वो तो उनके लिए मुश्किल है जिनको पैसे चलाना तेरा क्या करना है तो चेन को ग्रीस देनी तूने 2 पैडल मारने चल पड़ा तेरा घर सो सैड कहते मेरे ना विला के बड़े फायदे हैं ये कोई आम विला नहीं है अच्छा मैं तो शाम को जो चला जाऊँ ये सी फेसिंग हो जाता है अच्छा कभी कभी ये बच्चन साहब फेसिंग हो जाता है अच्छा हाँ जी सैटरडे संडे तो अंबानी मेरे पड़ोसी होते हैं हाँ अंबानी पड़ोसी होते हैं कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए ना अपनी विला ना ऐसे कंधे पे लेके भागता ही है विला जैसी पाजी जैसी मेरी तरक्की देखी नहीं जाती ये जल रहा है मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जल रही है शर्ट से जल रहा हूँ और शर्ट का रंग देखो पहनता सीधा आंखों को पड़ रहा है खैर सानिया जी सबसे पहले बेबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू अभी देख रहा मुबारकबाद दी ना आपने अभी थोड़ी देर में अपनी ढोलक निकाला कर बधाई मांगना शुरू कर देगा आप क्या समझते हो मैं ढोलकी वाला हूँ घर भी तो चलाना है इसको अपना चिल्लर चिल्लर ये कौन लगता है देखो मेरी बात सुनो प्लेट और चम्मच का बड़ा फायदा है क्या बधाई मिलगी तो ठीक है नहीं तो खाना तो मिल ही जाता है आ गया अपनी औकात पे देखा औकात पे क्या मतलब खाना सारे खाना खाते हैं आप नहीं खाना खाते आप हवा खाते हो खैर सानिया जी मैं ना ये जो टेनिस प्लेयर जो गेम है ना इसका मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ ये गेम मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें प्यार मोहब्बत बहुत होती है कैसे क्योंकि देखो हर बात पे वो बोलते रहते हैं 15 लव 30 लव 40 लव इतना लव तो वैलेंटाइन डे वाले दिन नहीं होता जितना इधर हो रहा था और मजर बाजी तब आता है जब कहते हैं लव ऑल अब बेवकूफ आदमी टेनिस में लव मतलब जीरो होता है हिंदुस्तान गवाह है जिस दिन से दीपिका जी की शादी हुई है उस दिन से इस बंदे के लिए लव का मतलब जीरो हो गया है रैकेट किसने रखा हुआ तुम्हें उधर मैं तो इनसे इंस्पायर हुआ हूँ देखो मैंने रैकेट भी ले लिया चम्मच से केले खाएंगे चम्मच से केले मैंने रैकेट ले लिया देखिए ये तो मच्छर मारने वाला है अच्छा आप मेरे को थोड़ी सी टेनिस सिखा दें अच्छा क्योंकि उसके बाद अगर टेनिस मिले बैडमिंटन मिले मैंने अपना करियर बना लेना है अच्छा नहीं इसकी बातों को गुस्सा मत करना जो बच्चे बचपन में ना बिना आयोडीन वाला नमक खाते ना वो ऐसी बातें करते हैं और जो आयोडीन ज्यादा खा लेते हैं वो ऐसी बातें करते हैं टेनिस के बारे में बताया तेरे को कुछ सारा पता है मेरे को टेनिस के बारे में टेनिस 3 तरह की होती है बता एक लोन टेनिस हाँ एक टेबल टेनिस कौन सी टेनिस लोन 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 बैंक का लोन है वो वो इंजरी होती है बेवकूफ आदमी बता एल्बो क्या होती बता पता तेरे को जाओ आप तो कह रहे हैं एल्बो जैसे मुझे एल्बो बाजू के घुटने को कहते हैं और किसको कहते हैं पहला आदमी है जिसके 3 घुटने हैं किधर है एक किधर है इसके एक दिमाग में इसके तो तूने अपना खाना कम कर सलाद ज्यादा खाया कर धूप में बैठा कर तेरे को अक्ल आए थोड़ी अच्छा मेरी बात सुनिए एक बात मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा टाइम लेकर सोचिए कोई चक्कर नहीं मेरे को जवाब दीजिए कि अगर सपोज मैं होता ही ना तो आप शो में 10 मिनट क्या करते
दो जवाब। मैं तेरी दाई मम्मा को बुला लेता। यार मेरे 8 लाख रुपए वापस करो। सानिया जी इससे भी पैसे लिए? मेरे चाय की टपरी बिकवा दी है, 8 लाख रुपए ले लिए इन्होंने, दे नहीं रहा वापस। नहीं मिलने वाले 8 लाख। ये बंदा बिरयानी के पैसे नहीं देता तुम। बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले पैसे। तो क्या बर्तन भी वापस? उसको सब पता है। बर्तन अभी तक बर्तन नहीं आए वापस। ये बंदे के पास है पतीला। पहले पतीला वापस करो सानिया के शहर से जो बिरयानी आई थी। ये तो नहीं है पतीला, मेरे पास तो प्लेट है खाली। ये उसी को इसने ढाल के बनाई है। टेनिस की सर्विस करके दिखा जा तेरे 8 लाख, तो 16 लाख दूंगा तेरे को। चल ये कौन सी बड़ी बात है। सानिया जी क्या लेंगे आप? ये है इसका काम, अबे टेनिस वाली सर्विस। अच्छा सारी उम्र पाजी मुझसे चाय बिकवाई, आज कहते हैं लैंडर पेस वाला सर्विस करके बताओ। कौन सी वाली सर्विस? लैंडर पेस। चल लैंडर पेस के स्पेलिंग बता दे, जा तुझे 32 लाख दूंगा जा। लैंडर पेस के स्पेलिंग कोशिश कर रहे हैं। 32 लाख का सवाल है, क्या बात कर रहे हैं यार। थोड़े थोड़े करके बताऊं। थोड़े थोड़े मतलब कैसे? ली आज एंडर कल पेस परसों। आप भी 10-10 हजार करके दे देना मेरे पैसे वापस। तू आज लैंडर पेस के स्पेलिंग बता, तभी तेरे को जाने देना आज। नहीं नहीं यार मैं जा रहा हूँ, पता क्या है आप तो इधर सोफे पे बैठकर बातें बनाते रहते, मेरे को 36। अच्छा बातें बनानी आसान है? और तू तू करके बता फिर आजा। गमछा नहीं छोड़ा अपना देख लो। स्पॉट दादा ये हटाओ। ओए होए स्पॉट दादा खुद ही तो तू है, और कौन किसको आवाज दे रहा है। हाँ तो अच्छा। खैर बहुत बहुत स्वागत है सानिया जी आपका हमारे शो में। तो आपको कैसा लगा हमारे इस शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा कि मैं इस शो पे आऊँ। क्या बात है, बस और आपसे इंटरव्यू करवाऊँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। टेनिस के बारे में कुछ पूछ। ओके नो प्रॉब्लम। खैर सानिया जी आप इतनी बड़ी प्लेयर हैं, आप विदेश भी जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है होटल में स्टे करती होंगी। हाँ जी हाँ जी। तो उधर जो खाना अनलिमिटेड मिलता है यहाँ? देखा ये अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगा ही नहीं। अबे टेनिस की बात कर बोल रहा हूँ, भूखा भूखड़ पाजी। टेनिस की बात आप, मैं क्या करूँ, मेरे अंदर से निकल आती चीज। सानिया जी आंखों में आंखें डाल के बात कर, तूने चोरी किए पैसे उनके? He's so conscious. So you have won many matches. ये वैसे एपिसोड आज खत्म करना है। चल हिंदी में पूछ ले चल। अरे इसके मुंह में स्पेलिंग फंस गया ना, और टेढ़ा हो जाएगा मुंह इसका। एक बार इसके बड़े लंबे नाम का ना इसने स्पेलिंग कोई यूज किया, स्पेलिंग इसके मुंह में फंस गया, फिर हमने टी डाल के निकाला। हिंदी में पूछ, हिंदी में पूछ। जी सानिया जी आप इतने सारे मैचेस जीती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं, तो जो टेनिस में मैच हार जाते हैं उनको भी खाना मिलता है या फाइन वगैरह डाल देते हैं? चल नहीं रुको, तेरे को खाने तो ऊपर बात ही नहीं आ रही इसको भी। चल निकल ये ले अपना थाली चम्मच चल। बुकड़ 8 लाख फिर मैं ना ही समझूं। शर्याम बना चलो। यार ओके सानिया जी एक बार बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। थैंक यू। अब वक्त है सानिया मिर्जा के और राज जानने का, जो कि ये खुद तो बताने से रहीं, इसलिए हमने एक तरह खुराफात करके हमने आज इनकी छोटी बहन को यहाँ पे इनवाइट किया। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड रिनाउंड फैशन डिजाइनर अनम मिर्जा। ओहो अनम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। अनम हमारे शो पे पहली बार आई। अनम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आप। थैंक यू। अनम फैशन डिजाइनर भी है ना, मैंने सुना ऐसा। फैशन क्यूरेटर। मतलब कहने का मतलब ये कि फैशन की बहुत अच्छी सेंस है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी ड्रेस अच्छी है कि? अगर आप बोलेंगी अच्छी है तो मैं डिजाइनर को तभी पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं। ये डिजाइनर की ड्रेस है।
जिम से आए हो अभी? क्यों मेरी डबल चिन दिख गई? आई थिंक यही देख के डिजाइनर ने दिया है, इट वॉज अ मैसेज कि जिम जाओ। सोनी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी सानिया ने मेरी बेइज्जती की वो सारी काट दी जाए प्लीज। अच्छा पहले ना कपड़े पुराने होने पे फटते थे, आजकल बाजार से फटे हुए आते हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ से फाड़ना है कि यहाँ से फाड़ना है, यहाँ से फाड़ना है? देखो आपका यहाँ पर जैकेट फटा है, उसे बस खींच कर और फाड़ दो। अच्छा फैशन हो जाएगा? मतलब ऐसे कहीं से फाड़ दो फैशन ही है। और फिर कटोरा लेके बहुत बुरा दिन है यार तेरा। Get too naughty. मैं आपको कुछ मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ सानिया। अच्छा? अनम आपको भी, आपने देखनी है यहाँ पे और ये बताना है कि कहाँ पे होता है ये फैशन। ये जो जीन्स है, ऐसी जीन्स अनम के पास है इतनी बुरी नहीं है ये लड़की की सच में जीन्स, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज फैशन की, सच में डिजाइनर के लड़की की टांग पंखे में आ गई थी। ये जीन्स है या शॉर्ट्स है? नहीं नीचे से फिर शुरू हो रही है ना। अच्छा। और पीछे भी तो है सॉक्स, नीचे के सॉक्स। पर ये ऐसे ही होती है फैशन, पहनती है लड़के? हाँ पहनती है, मैं इतना नहीं। कहाँ पे जाती हैं ऐसी पहन के ड्रेसेस? बाहर के कॉफी शॉप, लंच, डिनर, कहीं भी। ड्रेस पहने तो कॉफी तो घुटने पे गिर जाए, घुटना जल जाए। और भी है हमारे पास, और दिखाइए। ये देखो। हाँ ये तो I would wear. ये किसी ने कुल्हाड़ी से डिजाइन डाला कि ये पहनते हैं अनम? हाँ हाँ I would wear this. डैड कहते हैं मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम लोग ये फटे हुए कपड़े ले रहे हो, फायदा क्या? और भी हमारे पास, आगे दिखाइए और क्या है। अच्छा अनम ये जो फैशन शो होते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की आके जो आती ना गुस्से में, लड़कियां आती, मैं एक फैशन शो में गया, ऐसी लड़की आई, उसने वो पहना हुआ था ऐसे कटोरी से यूं करके, मेरे को कहती मेरे को ऐसे गुस्से में देख रही, पता मैंने देखा, मैंने कहा मैंने पहनवाए तेरे को ये कपड़े, मेरे को क्यों घूर रही है? ये अनम ये जो कपड़े हैं जो बोलते हैं कि ये फैशन है, किसके बाप के बर्थडे होता है जहाँ पे ये जाती हैं पहनने? मेरे को जानना है वो पार्टी, मुझे अटेंड करनी है। मुझे भी जानना है क्योंकि मैं भी इस तरह का फैशन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। हाय कैसे कप्पू? अरे वाह मिर्जा सिस्टर जाइले। हाय। अरे वाह कप्पू कितने वेल वल्चर्ड लग रहे ना ये लोग। वल्चर्ड नहीं होता, कल्चर्ड होता है। हमारे नाला सोपारा में तो वल्चर्ड ही होते हैं। सच्ची में इसका इंग्लिश बहुत खराब है। हाय अन्नम कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप लोग डायरेक्ट हैदराबाद से आ रहे हैं क्या? क्यों? मेरे को बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया। पाजी आपको मालूम है जब मैं छोटी थी ना, मेरे को खाने में दो ही चीजें पसंद थी, एक भिंडी और दूसरी रोटी। इसका बिरयानी से क्या लेना देना? अरे उसका नहीं, क्या इनका तो लेना देना है कि नहीं? बिरयानी से थोड़ी दया खा के खिला देंगे, गरीब लड़की है मैं। मेरी मम्मी ने मेरे को जिंदगी भर रोटी भिंडी खिलाए। अच्छा यार हम देंगे, बाहर है बिरयानी। मेरे को अकेले को नहीं, इसको भी खिलाना। थोड़े टाइम पहले तक ये भी भिंडी रोटी खा रहा था। आपको पता है पाजी, जब से टीआरपी आई ली ना, तब से बड़ी बड़ी चीजें मंगाते हैं खाने को। मैं वैनिटी में देखी, बोलता है स्पेगेटी, मोमो, मार्गरिटा। बोलने को होता नहीं लेकिन मंगाता सब है खाने को। मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत बुरा लगता है सानिया जी। रो मत। नहीं मैं फैन नहीं, तो रोएगी मैं। अच्छा। अरे इतना अच्छा काम करती है, बात बात पे इनको कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ। अभी हमारे इधर क्या रहता है, कोर्ट में काला कपड़ा पहनते हैं लोग, ये कोर्ट में सफेद कपड़ा पहन के जाती है। और हमारे कोर्ट में क्या जज सामने रहता है, इनका जज उसे ऊपर बैठेला रहता है किधर तो। अरे वो कोर्ट अलग होता है, ये टेनिस कोर्ट में जाती है। अच्छा। और इनका रेफरी होता है जो ऊपर बैठता है, जज। अच्छा रेफरी। हाँ। हमारे इधर जो फ्री होता है उसको हम ऊपर बिठाते हैं। सानिया जी मैं टेनिस बहुत खेलती थी। अच्छा। लेकिन मेरी ना साड़ी फट जाती थी। क्यों?
आप साड़ी में खेलती थी टेनिस? साड़ी पहन के कौन टेनिस खेलता है? अरे मेरे को सब नॉलेज है, साड़ी पहन के नहीं खेलती थी, साड़ी का हम लोग नेट बनाते थे। मैं तो घाघरा चोली पहन के खेलती थी। साड़ी का नेट लगा के साड़ियां खराब करते तुम लोग? खराब वराब कुछ नहीं करते। उधर एक लड़का आता था मालूम है सेकंड हैंड साड़ी खरीदने को, वो साड़ी लेके जाके ना फिर जेंट्स लोग को लेडीज बनाता था। कोई तो लड़का है। क्या ऐसा ऐसा क्या करते? कुछ नहीं। मैं तेरा नाम ली क्या? बिना नाम लिए तूने बता दिया सारा कुछ। मेरे को डांटना नहीं, मैं तेरी बहन है ना, मेरे को बार बार डांटता है। अभी तू कितना भी बोलेगा ना मेरे को इधर से जाने को मैं नहीं जाएगी। मैं तेरी बहन है सानिया जी, जब तक ये शो की टीआरपी आ रही है ना मैं तेरी बहन बन के तेरे साथ ही रहेगी। मैं तेरे को चिपक के रहेगी कप्पू। ए मेरा कप्पू, मेरा टीआरपी भाई, मेरा टीआरपी। खैर कब तक हम अपनी बातें करते रहे, भाई बहन का तो चलते रहते। आप कभी आए ना हमारे नाला सुपारा में? मैं उधर आपको चार मीनार दिखाएगी। अच्छा? अरे पागल, वो तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में? हाँ। तो उधर क्या वैसा सीमेंट का लंबा रहता है, धुआं निकलता रहता है ऊपर से। बेवकूफ, किसी की चिमनी होगी वो। चिमनी। दीदी मेरे को ना टेनिस के बारे में सब मालूम है। झूठ बोलती है सानिया, इसको कुछ नहीं पता। मेरे को कप्पू मालूम है, अभी जैसा मिक्स डबल रहता है, मिक्स डबल में आप एक्सपर्ट है ना, देखा मेरे को मालूम है कि नहीं। लेकिन आप लेकिन मैम एक पूछना था मेरे को, ये मिक्स डबल करके भी आपको कुछ होता नहीं है? मैं मिक्स डबल करती ना मेरे को हैंगओवर हो जाता है अगले दिन। आपकी हालत ऐसी, आप मिक्स सिंगल है फिलहाल। और हमारे इधर तो देखिए ना, मैंने पार्लर खोले रहे, सपना ब्यूटी पार्लर है। हमारा मसाज भी टेनिस के हिसाब से रहता है। अच्छा, कैसे? अभी देखिए ना हमारे इधर का मसाज है, सब हमारे इधर टेनिस के हिसाब से करते हैं, फ्रेंच ओपन मसाज करते हैं हम लोग। अच्छा, कैसी होती है? कैसे करते हैं? जो अंकल लोग फ्रेंच रखते हैं ना उनको पकड़ के ऐसा ओपन में मसाज कर देते हैं। वो बहुत अच्छा है हमारा। फिर हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है। उस मसाज उस कौन सी होती उस है? नहीं यार, यूएस ओपन मसाज। यूएस ओपन रहता है, लेकिन रहता तो उस तरफ ही है ना, इसलिए बोली मैं उस मसाज रहता हूँ। बड़े बड़े लोग का मैं मैसेज, क्रिकेटर लोग आते ना उन लोग का मैं फिजियो चैरिटी करती है इधर। फिजियोथेरेपी होता है? अरे मैं फ्री में करती ना, तो मेरी तरफ से तो चैरिटी हो ना। पहले कभी किसी खिलाड़ी में मसाज किया तूने? अरे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी लोग आते इधर, वो आपका चेस के खिलाड़ी है ना बहुत बड़े, वो विश्वनाथन आनंद, वो इधर ही आते हैं मसाज के लिए। वो तो बैठ के खेलते हैं, वो तो थकते नहीं है, वो उनका क्या मसाज करती है? उनका नहीं रहता, उनका जो हाथी घोड़ा और ऊंट रहते हैं ना चेस का, उसका मसाज रहता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।